हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं विद हाउ सेड स्टेप्स के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द बिजी आर्चर। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बिजी आर्चर है वो पोएम में कौन है। द बिजी आर्चर इन दिस पोएम इज़ क्यूपिड द गॉड ऑफ लव। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस पोएम में जो बिजी आर्चर है वो क्यूपिड है, और क्यूपिड कौन है? द गॉड ऑफ लव, लव के, प्यार के देवता क्यूपिड होते हैं। व्हाट डज द पोइट आस्क द मून अबाउट ब्यूटीफुल लेडीज। तो जो मून है, चांद है, वो ब्यूटीफुल जो लेडीज हैं, सुंदर जो औरतें हैं, उनके बारे में क्या पूछता है मून से? पोइट मून से सुंदर लेडीज के बारे में क्या पूछता है? तो यहाँ पर बताया गया है, ही आस्क द मून वेदर ब्यूटीफुल लेडीज आर देर आर एज प्राउड एज दे ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर जो है पोइट ये जानना चाहता है मून से कि जैसे धरती पर, अर्थ पर जो ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं वो घमंडी हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप में को सुंदर समझती हैं, क्या चांद पर भी ऐसा ही है कि वे अपने आप को इतना घमंडी समझती हैं, इतनी ही घमंडी हैं क्या वो वहाँ पर भी? हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम विद हाउ सैड स्टेप्स। यहाँ पर पूछा गया है कि जो यह पोएम है विद हाउ सैड स्टेप्स, इसके जो पोइट हैं वो कौन है? तो आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल्ड समरी एनालिसिस कराया है इसका। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं फिलिप सिडनी। व्हाट इज़ पीपल्स एटीट्यूड टू फेथफुल लवर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोगों का जो फेथफुल लवर्स, मतलब जो कि ईमानदार प्रेमी होते हैं, लोयल प्रेमी होते हैं, उनके प्रति जो है लोगों का क्या एटीट्यूड रहता है, क्या रवैया रहता है? पीपल थिंक द फेथफुल लवर्स टू बी फूल्स। जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि जो फेथफुल लवर्स होते हैं वो मूर्ख होते हैं। हाउ डज द मून क्लाइंब द स्काई। द मून क्लाइंब्स द स्काई साइलेंट एंड विद स्लो स्टेप्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो चांद है वो आसमान में कैसे क्लाइंब करता है, चढ़ता है। तो यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही शांत तरीके से और हल्के हल्के कदमों से। How does the moon's face show that it is lovesick? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि चांद का फेस से कैसे पता चलता है कि वो भी जो है प्यार में पीड़ित है। The poet says that the moon's face is sad and pale like that of unsuccessful lover. So he thinks that the moon is also lovesick. तो यहाँ पर पोइट कहता है कि मून का फेस भी ऐसे ही उदास है, पीला पड़ गया है, जैसे कि जो है असफल प्रेमी का होता है। तो इसी वजह से उसे लगता है कि जो मून है वो लवसिक है, प्रेम में पीड़ित है। व्हाई डज द पोइट रेफर टू क्यूपिड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पोइट है वो क्यूपिड को क्यों रेफर कर रहे हैं। क्यूपिड इज़ द गॉड ऑफ लव, मतलब वो ब्लेम कर रहे हैं ना उनको, क्यूपिड को, गॉड ऑफ लव को। तो क्यूपिड कौन है? प्यार के देवता हैं। द पोइट थिंक्स दैट क्यूपिड हैज शॉट इट्स एरोज ऑन एट द मून ऑल्सो, दैट इज़ वाई द मून अपीयर्स लव सिक। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि प्यार के देवता कौन है? क्यूपिड है, और क्यूपिड ने क्या है, अपना एरो छोड़ा है, धनुष चलाया है मून पर भी, ताकि वहाँ पर भी जो है, इसलिए वहाँ पर भी जो है प्यार से पीड़ित लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द पोइट जज द मून इज लव सिक। द पोइट सेज दैट ही हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अनफुलफिल्ड लव, सो ही कैन जज दैट द मून इज़ ऑल्सो लव सिक। तो यहाँ पर ये पूछा गया है क्वेश्चन कि पोइट कैसे जज कर सकता है कि जो मून है वो प्यार से पीड़ित है। तो इसका उत्तर यहाँ पर ये है, उसे इसलिए पता है कि जो मून है वो प्यार से पीड़ित है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि उसका प्यार जो है असफल रहा था, तो उसे पता है, इस वजह से वह बता पा रहा है कि जो मून है वो भी प्रेम से पीड़ित है। What does the poet ask about faithful love? तो जो poet है वो जो faithful love है उसके बारे में क्या पूछता है, क्या कहता है? The poet asks the moon if there also a faithful love is considered a fool. तो poet जो है faithful love के बारे में ये question पूछता है कि क्या moon पर भी ऐसा ही है जैसे कि धरती पर है, कि जो लोग हैं वो faithful lovers को या फिर faithful love को मूर्ख समझते हैं। What does the poet want to know about ब्यूटिफुल वुमेन। जो पोइट है वो जो सुंदर औरतें हैं उनके बारे में क्या जानना चाहता है? द पोइट वॉन्ट्स टू नो वेदर ऑन द मून ऑल्सो ब्यूटिफुल वुमेन आर प्राउड एज दे आर ऑन द अर्थ। पोइट यही पूछना चाहता है क्या
चांद पर भी ऐसा ही है कि जो अनफेथफुल लवर्स होते हैं, ये पूछा जाता है कि क्या चांद पर भी ऐसा है क्या, जो सुंदर औरतें होती हैं वे ऐसे ही घमंडी होती हैं जैसे कि अर्थ पर हैं। व्हाट डज द पोइट से अबाउट लेडीज़ एंड देयर फेथफुल लवर्स। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोइट क्या कहते हैं कि औरतों के बारे में और उनके जो फेथफुल लवर्स होते हैं उनके बारे में। द पोइट सेज दैट लेडीज़ वॉन्ट टू बी लव्ड बाय मैन। यहाँ पर पोइट कह रहा है कि औरतें क्या चाहती हैं कि उनके जो मैन हैं, उनके जो प्रेमी हैं, उनसे प्यार करें। इवन देन दे स्कॉर्न दोज हु एक्सप्रेस देयर लव टू देम। बट जब वो उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं तो उनको वो पसंद भी नहीं करते। व्हाट डज द पोइट वॉन्ट टू नो अबाउट इनग्रेटिट्यूड। जो यहाँ पर वर्ड इनग्रेटिट्यूड यूज़ किया गया है उसके बारे में पोइट जानना चाहते हैं। द पोइट आस्क द मून टू टेल हिम वेदर देयर ऑल्सो लेडीज कॉल इनग्रेटिट्यूड अ वर्च्यू। कि क्या चांद पर भी ऐसा है कि क्या चांद पर भी ऐसा है कि जो इन औरतें होती हैं बेवफाई करती हैं उनको, उसको भी वहाँ पर गुण समझा जाता है क्या जैसे कि अर्थ पर। तो ये हमने आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।